वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। मैं आई हुई हूँ दुलिया जान। दुलिया जान एक छोटा सा शहर है डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और डिब्रूगढ़ असम में आता है। तो चलिए, अब जब मैं यहाँ आई हूँ, गणेश विसर्जन का आज अवसर है, तो थोड़ी बहुत आपको गणेश पूजा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ आई हूँ और आपको ना दिखाऊँ। तो चलिए चलते हैं। आज मैं आई हूँ हरि मिलन मंदिर, जिसकी स्थापना सन 1970 में हुई थी। तो यहाँ पे गणेश पूजा चल रही है ऐसा मुझे सुनने में आया, तो चलिए देखते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही मुझे पता लगा कि यहाँ तो आरती चल रही है, संध्या आरती। मैंने बोला वाह, अब मज़ेदार बात है, चलो अवसर तो मिला तो चलिए चलते हैं, थोड़े और करीब से देखते हैं। आरती खत्म होने के बाद लोगों ने प्रसाद चढ़ाया। धूप बत्ती लगाई, मेरा मतलब है अगरबत्ती लगाई, दिए जलाए। हमने भी वहाँ आरती की। और चलिए, अब जब मेरी आरती हो गई है, मेरी पूजा हो गई है, तो चलिए आपको मैं बाकी मंदिर घुमाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो मंदिर के प्रांगण के अंदर ही ढेर सारी मूर्तियाँ रखी गई हैं, जैसे सती माता का, दुर्गा माता का, हनुमान जी का, साईं बाबा का, गणेश जी तो हैं ही, क्योंकि उन्हीं की तो बात चल रही थी अभी, आप देख सकते हैं। तो वहीं भजन मंडली अपने भजन तैयार करने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स, जो उनके वादन हैं, वो सारे ठीक करके सेटिंग वगैरह कर रहे हैं। अब चलते हैं मंदिर की दूसरी ओर। मंदिर की दूसरी ओर एक ऐसा कक्ष है। हाँ जी, कक्ष के बाहर ये देखे यज्ञ कुंड था, यहाँ यज्ञ भी होके होता है। ही मिस्ड इट। चलिए कोई नहीं, कभी और ही सही। तो इस मंदिर वाले कक्ष में बाल गोपाल परे हैं, जिनको आप झूला झूला सकते हैं, राधा कृष्ण, शिवलिंग। गणेश जी की एक और प्रतिमा। प्रसाद पड़ा था, रुद्राक्ष, अगरबत्ती, और है एक फराई, इसके बारे में मैं और आपको बताऊंगी, जब तक मैं नहीं पाऊँ चढ़ाने के लिए तेल, टिक्का, मौली, पानी, तेल,
कैन लर्न और बहुत कुछ। अब चलते हैं भजन मंडली की ओर और देखिए कितने अलग अलग नए नए से वादन बता रहे हैं। ढोल, हारमोनियम, ताल, इनके भजनों का लिस्ट लेते हैं। चलिए सुनते हैं जरा। मंदिर के प्रांगण में ही तुलसी माता का पौधा लगा है, वहाँ पर त्रिशूल भी रखा गया है। तो वहीं मुझे मंदिर में एक पुराना हैंडपंप नज़र आया, तो उसको भी चलाने का प्रयास किया मैंने, बट वो थोड़ा सा जाम हो गया था तो मैं चला नहीं पाई। तो वहीं सुंदर सुंदर फूल लगे हैं जो शिव जी और बाकी मूर्तियों पर चढ़ाया जाता है। और ब्लॉक समाप्ति के ओर ज़रा देखिए, ये मंदिर की सजावट है झंडियों के साथ और ये है मंदिर का प्रांगण। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद।